नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं श्रीनगर लद्दाख राजमार्ग पर। सोनमार्ग से हम जा रहे हैं जीरो पॉइंट की ओर और रास्ते में आएगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रे को पार करते हुए लद्दाख को जो रास्ता जाता है, और रास्ते में देखो बर्फ़ के पहाड़ हैं। सुबह सोनमार्ग से हम चले थे 11 बजे, अभी रास्ते में खड़े हुए हैं, देखते हैं कि जीरो पॉइंट पर कहाँ पहुँचते हैं। और ये दर्रा है जो दो पहाड़ों के बीच में से होते हुए रास्ता जा रहा है। जोजिला दर्रा आएगा और उसके बाद जीरो पॉइंट और उसके बाद लद्दाख को जाने वाला रास्ता। और ये नेशनल स्टेट हाईवे है, श्रीनगर लद्दाख राजमार्ग। ये जो है सोनमार्ग से 26 किलोमीटर पड़ेगा अपना जीरो पॉइंट। तो जीरो पॉइंट पर पहुँच कर आपको फिर मिलेंगे। सोनमार्ग से 26 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद और जोजिला पास को कवर करने के बाद पहुँच गए हैं जीरो पॉइंट पे। और कपड़ों की चार चार लेयर पहनी हुई है, तभी भी सबको ठंड लग रही है। और साथी मेंबर आ रहे हैं और ये रहा आपका जीरो पॉइंट। जीरो पॉइंट पे ग्लेशियर का पहाड़ है और इसी पहाड़ पर लोग इंजॉय करने आते हैं। और लकड़ी की एक स्लेज होती है, स्लेज से ऊपर से स्लाइडिंग करते करते नीचे आते हैं, वो ऊपर जाके स्लेज से नीचे आते हैं। और एक मोटर बाइक भी चलती थी, तो मगर वो आज कहते हैं बैन कर दी है गवर्नमेंट ने, और ओनली स्लेजिंग हो रही है इधर। और एक दो एक्टिविटी है और काफ़ी सारा लोग जहां आए हुए हैं। देखो कुदरत का करिश्मा, देखो जून मंथ में स्वेटर वगैरह पहने पड़ रहे हैं, जैकेट वगैरह, और कुछ लोग ग्लव्स बेच रहे हैं, कैप बेच रहे हैं, और वो स्नो पे चलने वाले शूज। अभी थोड़ी देर बाद जीरो पॉइंट पर जाएंगे, आगे स्लेजिंग करेंगे बच्चे। ये फैमिली मेंबर बच्चे ग्लव्स डाले हुए हैं, और वो सबसे छोटी गुड़िया राबिया। बहुत ही अच्छा मोमेंट लाइफ में। ये वाला सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने भी अपनी लाइफ में ये पहली बार देखा है कि जो बर्फ़ का ग्लेशियर है, बर्फ़ के ग्लेशियर से के नीचे से पानी आ रहा है, कहीं ना कहीं से पानी जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो रही है। वो मेल्ट हो के नीचे से ग्लेशियर के नीचे से पानी आ रहा है और आगे को बढ़ रहा है। ये पहले पानी की छोटी ब्रांच है, फिर आगे जाके बड़ी ब्रांच में मिलेगा, और आगे जाके रिवर में मिलेगा। और ये वाली जो रिवर है वो लास्ट में सिंध रिवर बनेगी। और जीरो पॉइंट पे लोग देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, स्नो बाइक है इनके पास और उसके साथ एक्टिविटी कर रहे हैं। और ये होती है स्लेज गाड़ी, लकड़ी से बनी होती है स्लेज गाड़ी, और इसको ऊपर आइस पे लेकर नीचे से स्लाइड किया जाता है। ये पूरे का पूरा बर्फ का पहाड़।
जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे सांस फूल रही है और साथ में हवा भी तेज़ है और ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है पहाड़ के ऊपर ऊपर जा रहे हैं जैसे जैसे। इसको उठाकर लेकर आया ऊपर, अभी सांस फूल गई है। 0 पॉइंट पे आ गए। मैं तो स्टेट लेवल का एथलीट हूँ, मैं तो वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक कोई नहीं जाएगा, वो ऊपर तक जाऊँगा मैं। आ जाओ अर्णव, ऊपर आओ, आ जाओ। विधि विधि कर रही है स्नो के साथ एंजॉय। अर्णव करो, ओ यस, अभी और भी कितना ऊपर है पर जाना बहुत मुश्किल है ऊपर जाना। इतनी ऊंचाई पे बर्फ ही बर्फ चारों ओर। और देखो एक तरफ तो बर्फ वाला पहाड़ है और जो दर्रा है वो रोड के दूसरी ओर जो पहाड़ है उस पर उतनी स्नो नहीं है और वो उसमें ना तो पूरी घास भी नहीं है, वो कोई और किस्म का पहाड़ है। और रोड के इस तरफ देखो बर्फ का पहाड़। जितना एंजॉय बच्चे कर सकते हैं बड़े उतना एंजॉय नहीं कर सकते। देखो इतना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, उन्हें रेनकोट कोई बात सुना। अर्णव पूजा आ रही है स्लैजिंग करते हुए, वो जा रहे नीचे को। क्या खूब एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा होता है स्नो बाइक दो तरह की एक्टिविटी हो रही है, एक तो लकड़ी की जो स्लेज बनी हुई है और एक स्नो बाइक है। अभी विधि आ रही है स्लेजिंग करते हुए ऊपर से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, पहले तो डर रहे थे। और जी भाई साहब इधर केसर बेच रहे हैं। हाँ जी कितने हो गए? 8,000। और सभी से रिक्वेस्ट है लास्ट में कि जो अपना चैनल है टीचिंग फेलो शर्मा उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल का मेन जो मोटिव है वो अपने स्टूडेंट का जो जनरल नॉलेज है उसको इंक्रीज करना है। और किसी भी प्रकार की कोई इनकम का कोई किसी प्रकार का कोई लालच लोभ नहीं है, ओनली स्टूडेंट इंफॉर्मेशन जो वीडियो में डालता हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि उनके नॉलेज में भी इंक्रीज हो उनका नॉलेज भी।
अभी चलते हैं सोनमर्ग के लिए। आज रात यहीं ठहरेंगे और कल देखेंगे बाप श्रीनगर जाएंगे, उसके बाद जो प्लानिंग बनेगी आरू वैली, बेताब वैली और चंदनबाड़ी, वो साथ साथ में आप देखते जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।